सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, आज जो एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स और अपकमिंग जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उन सभी को लेकर, उसको लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि अभी तक इसको लेकर कोई भी फाइनल डिसीजन तो निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स निकल कर सामने आया है जो कि मुझे लग रहा है कि आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मीटिंग अभी तक चल रही है। काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा है कि इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है तो मीटिंग अभी तक ख़त्म हो गई होगी और कोई भी डिसीजन नहीं आया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीटिंग अभी तक चल रही है, इसको लेकर डिसीजन आना अभी तक बाकी है। बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने ये रेफ़र किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन की जाए, उसके बाद उन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने दिया जाए, उसके बाद जो है वो कोरोना वायरस का खतरा जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा, ऐसे में हम एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा ये एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि 2:27 पर निकल कर सामने आया है। यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ CBSE स्कूल्स का कहना है कि जो एग्जामिनेशंस है उनको कैंसिल ना किया जाए बल्कि कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दिया जाए। जो ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशंस है उनको कैंसिल ना करके कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दिया जाए, ऐसा बोलना है नेशनल काउंसिल ऑफ CBSE स्कूल्स का डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक को। ठीक है, अब किसकी बात मानी जाएगी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है, द मिनिस्ट्री स्टाफ हैज कंफर्म दैट द मीटिंग इज स्टिल ऑन एंड डिसीजन रिगार्डिंग क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स एंड एंट्रेंस टेस्ट विल लाइकली बी अनाउंस सून। तो मैंने जैसा कि आप सभी को बताया है कि अभी तक इसका रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन मीटिंग जो है वो अभी तक चल रही है, मीटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर निकल कर ये आया है कि छत्तीसगढ़ ने अपने जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उनको घर से ही कराने का फैसला किया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, उनको ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये करेक्ट डिसीजन जो है वो छत्तीसगढ़ की तरफ से रहने वाला है। ठीक है, या तो एग्ज़ाम्स को इंटरनल असेसमेंट के तौर पर पास ही कर देते, ऑनलाइन का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, घर से एग्ज़ाम्स करवाने का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं रहता है। तो छत्तीसगढ़ ने यह फैसला किया है कि वो जो अपने एग्जामिनेशंस हैं ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशंस उनको से ही कंडक्ट करवाएगी, यानी कि ऑनलाइन जो है वो कंडक्ट करवाएगी। फिलहाल यार इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि अभी तक मीटिंग चल रही है, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है और कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर सामने आता है वो अपडेट मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी तक जितने भी अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं वो सारे के सारे अपडेट्स मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। बाकी जल्द ही फाइनल रिजल्ट्स की वीडियो भी आपके सामने होगी, उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।